आस अठावले अपने ही अंदाज में शिवसेना को और खास तौर से संजय राउत को जवाब दे रहे थे, क्योंकि जब रामदास अठावले ने संजय राउत से शिवसेना से वापस आने की अपील की थी, तब संजय राउत ने बड़े तल्ख शब्दों में कहा था कि वो अपना काम करें, हमको पता है हमें क्या करना। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत आरपीआई नेता रामदास अठावले की तरफ से दिया गया है शरद पवार को, उनकी तरफ से यह कहना है कि उनको भी शामिल होना चाहिए एनडीए में, उनको भी केंद्र में मंत्रालय लेना चाहिए, उनकी बेटी का नाम उन्होंने लिया सुप्रिया सुले का, उनको केंद्र में मंत्री बनना चाहिए। तो एक तरह से ऑफर भी रामदास अठावले की तरफ से गया है। हालांकि अजीत पवार ने जो रुख अपनाया है उससे शरद पवार सहमत नहीं है, जो उन्होंने ट्वीट किया उससे कम से कम ये साबित है। और 12:30 बजे जब शरद पवार उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब तस्वीर और साफ होगी। इस बीच अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक सवाल है, अजीत पवार कहाँ है, कुछ पता चला इस बाबत, और उनके साथ स्पष्ट रूप से कितने विधायक हैं, कुछ विधायकों से आपकी बात हुई, कितने लोगों का समर्थन है अजीत पवार के पास फिलहाल?